बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम आप न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ यासिर। सबसे पहले आपकी हेडलाइंस। चीफ जस्टिस पाकिस्तान कादलिया से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म के बयान का जवाब, कहा ताकतवर और कमजोर की बात की गई, ताकतवरों का ताना हमें ना दें। वज़ीर-ए-आज़म ने जिस केस का ताना दिया उस केस में बाहर जाने की इजाजत उन्होंने खुद दी, हाई कोर्ट ने सिर्फ जुजियात तय किए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत आला सतह का इजलास, पाक अफगान ट्रांसिट ट्रेड से मुतालिक अमूर का जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ ट्रांसिट ट्रेड में सहूलतें पैदा करना चाहता है। अपोजिशन का तहरीक इंसाफ के खिलाफ फॉरन फंडिंग केस की रोजाना समाप्त का मुतालबा, इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज। राहबर कमेटी सरबरा अक्रम दौरानी ने कहा जिस रोज इस केस का फैसला आया पूरी तहरीक इंसाफ खत्म हो जाएगी। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल बोले ये मेगा स्कैंडल है, पीटीआई ताखीरी हरवे इस्तेमाल कर रही है। राहबर कमेटी की गरज बरस पर तहरीक इंसाफ का भरपूर जवाब, मुआफ़ने खसूसी बराए मीडिया इफ्तिखार दौरानी ने कहा राहसन कमेटी खिफत मटाने के लिए कौम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश ना करे। जमीयत उलमा इस्लाम के प्लान बी की नाकामी पर फिरदौस आशिक अवान का तबसरा, बोली सारे प्लान चौपट होने के बाद आपको एग्जिट प्लान का सहारा लेना पड़ा। मौलाना साहब आप जिस तरह खाली हाथ इस्लामाबाद आए थे वैसे ही लौट गए। इत्तेहादियों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, हुकूमत का मुत्तहिदा के तहफ़ुज़ात दूर करने का फैसला, जहांगीर तरीन की सरबराही में हुकूमती वफ्द आज एमकेएम से मिलेगा, 162 अरब रुपए के कराची पैकेज पर बात होगी। खालिद मकबूल की सरबराही में वफ्द की वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात का इम्कान। नवाज शरीफ लंदन में हसन नवाज की रिहाइशगाह पर मौजूद, एक कमरा इलाज के लिए मुख्तस। खानदानी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ इस बार प्लेटलेट्स का इलाज हॉर्ले स्ट्रीट से नहीं अमरीका से कराएंगे। आसिफ अली जरदारी तहाल पिम्स में जेर इलाज, ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव बरकरार, शुगर भी नॉर्मल नहीं हो सकी, गर्दन और कमर में दर्द के बायस गुजश्ता 3 रोज से फिजियोथेरेपी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म के मुआफ़ने खसूसी बराए मीडिया यूसुफ बेग मिर्ज़ा ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की तस्दीक, यूसुफ बेग मिर्ज़ा कहते हैं अपने कारोबार को वक्त देना चाहता था इसलिए मुस्ताफी हुआ। वज़ीर-ए-तवानाई उमर अयूब ने महंगी बिजली का जिम्मेदार माजी की पॉलिसियों को करार दे दिया, कहते हैं नून लीग की हुकूमत ने एलएनजी से महंगी बिजली दी, मुतबादल तवानाई पॉलिसी तैयार कर ली गई है, अब कीमतों में कमी आएगी। कराची में 96 अफराद के कातिल यूसुफ ठेलेवाला के सनसनीखेज इंकशाफात, टारगेट के लड़का फारूक सत्तार से राबते का इंकशाफ, कहा 9-0 पर रिहाइश का बंदोबस्त फारूक सत्तार ने किया। फारूक सत्तार की तरदीद, कहा मेरा 9-0 के इंतजामी मामला से कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा। आप न्यूज़ की खबर पर एक्शन, गुजरांवाला में घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद के वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सीपीओ ने तशद्दुद के वाक़े में मुलव्वस अफराद को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में 1 अरब से ज़ायद करप्शन, अदालत ने साबिक एमडी वसीम असमर को 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के सपोर्ट कर दिया। ब
باغوں کے شہر کو سموگ کا روگ لگ گیا، سانس لینا مشکل۔ محکمہ ماحولیات نے 6 بھٹے اور 22 فیکٹریاں سیل کر دیں۔ تمام پرانی طرز پر چلنے والے بھٹے آج سے 1 ماہ کے لیے مکمل بند رہیں گے۔ اور ٹیم پاکستان ٹیسٹ جیت کے لیے پرعزم، کل برسبن میں آسٹریلیا سے پہلے ٹیسٹ میں جوڑ پڑے گا۔ قومی کھلاڑیوں کی پریکٹس، بولرز نے لائن اور لینتھ بہتر بنانے پر کام کیا۔